अभी कलश यात्रा भी आ चुकी है और यहाँ से सीधा जाएंगे आगे ये नीचे शिव मंदिर की ओर और फिर वहाँ से इस वाले रोड से सीधा जहाँ पर टेंट लगा है ये ऊपर वहाँ पर। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग, यहाँ स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी अपने गाँव से और उसी के साथ आज है 22 जनवरी और आज जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी है तो उसी के उपलक्ष्य में जो सभी गांव में राम मंदिर की और राम जी की पूजा की जा रही है। और तो जो हमारा लोकल मार्केट है यहां से दिबागढ़, तो आज वहां पर भी एक छोटा सा कार्यक्रम है राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में, तो अभी मैं भी जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं आज वह कैसा कैसा रह पाता है। हमारे गाँव की जो महिलाएँ हैं वो भी चले गई हैं, शायद वहाँ कलश यात्रा भी है, तो चलो चलते हैं और देखते हैं आप लोगों को आज मैं क्या क्या दिखा पाता हूँ। तो चले यार अभी चलते हैं और गाड़ी में जा रहे हैं सभी लोग। फाइनली यार दोस्तों हम पहुँच चुके हैं देवागढ़ में और यहाँ देखिए कितनी बड़े तरीके से सजावट की गई है झंडों से। ये है दोस्तों दिबागढ़, क्या मस्त तरीके से सजा रखा है और जो व्यवस्था की गई वो सामने आगे पे की गई है। और यहाँ से है गेट और ये देख सकते हो अभी कुछ इस प्रकार से है। तो ये है दोस्तों यहाँ से गेट और अब जहाँ पर टेंट लगा है आप लोगों को वहाँ ले चलते हैं और ये सभी लोग भी आ रहे हैं अभी उधर से। और यहाँ पर अभी बन रहा है भंडारा सभी के लिए। यहाँ पर की गई है पूरी व्यवस्था, कितना मस्त सजाया गया है यहाँ पर। तो आज देखिए यार कितनी ज़्यादा रौनक है दिबागढ़ के मार्केट में और इस सारी महिलाएं भी आ चुकी हैं कलश यात्रा के लिए हर गांव से। ये देख सकते हो कुछ यहाँ हैं और कुछ वो सामने हैं। तो अभी देखिए यार सारी महिलाएं भी आ चुकी हैं कलश यात्रा के लिए और ये देख सकते हो और कुछ समय बाद कलश यात्रा जाएगी यहाँ से मंदिर तक और उसके बाद सीधा वापस। जय श्री राम। Oh,
तो अभी भूमियाल देवता को अवतरित किया गया था और अभी उसके बाद अब कलश यात्रा के लिए सभी महिलाएं तैयार हो चुकी हैं। अब से चलेंगे यहाँ से मंदिर की ओर। समय हमारी भी दिबागाड़ बाजार वालों ने भी एक कलश यात्रा निकाल रखी है। आप देख सकते हैं पूरा क्राउड आज उमड़ पड़े हैं रोडों पे। तो अभी कलश यात्रा भी आ चुकी है और यहां से सीधा जाएंगे आगे ये नीचे शिव मंदिर की ओर और फिर वहाँ से इस वाले रोड से सीधा जहाँ पर टेंट लगा है ये ऊपर वहाँ पर और ये सभी लोग आ रहे हैं और पीछे से हर गांव की महिला मंगल दल आ रखी है कलश यात्रा में जुड़ने के लिए। तो ये कलश यात्रा आ चुकी है रोड से नीचे ये देख सकते हो और ये नीचे है कलिष्ठा गांव और उसके बाद सामने जाना है शिव मंदिर में यहाँ बीच में। तो ये सामने आ रही है दोस्तों कलश यात्रा ये और यहाँ से फिर ये सामने है शिव मंदिर। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और अच्छे से दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं। जय हो भगवान। और ये महिला मंगल दल है जलचौरा की और ये है शिव मंदिर। Thank you.
तो चले यार अभी चलते हैं मंदिर से। और जो क्लस यात्रा ऊपर दिवागार से आई और उसके बाद उन्होंने अपने अपने क्लस में कई महिला मंगल दिनों ने पानी रखा और उसके बाद उस पानी को शिव मंदिर में चढ़ाया। और अभी सभी आ चुके हैं और ये देख सकते हो ये हमारी दी जो कि YouTube पे वीडियो बनाती है। तो दी अपना चैनल का नाम बता दो। तो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना और एक बार दी के चैनल को जरूर विजिट करें और देख रहे हैं बहुत मस्त वीडियो बनाती है दी भी। ये देखिए यार अभी कितनी सारी महिलाएं जुड़ चुकी हैं हर गांव की, ये देख सकते हो। और ये हैं छोटे छोटे राम, लक्ष्मण, सीता। जय बोलिए बजरंगबली हनुमान की, जय बोलिए बिच्छेश्वर महादेव की, जय बोलिए ग्राम सभा देवताओं की, जय जय बोलिए भक्त मंडली की, जय सनातन धर्म की, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अभी सभी लोग बैठ चुके हैं पूजा में और थोड़ी देर में भजन शुरू हो जाएंगे। सेवा में लीन अवतार सिंह कृष्ण जी, खिलाफ सिंह कृष्ण जी। राम रघुपति के काल रघु
नहीं रखता आपके चरणों में, गुरुदेव करा आपके चरणों में। यहाँ पर की गई है भंडारे की व्यवस्था।
तो दोस्तों अभी हम मेला से आ चुके हैं और अभी यार यहाँ पर चाचा लोगों की दुकान में है और यहाँ पर बना रखी है गर्मा गर्म जलेबी और यहाँ पर बन रही है चाउमीन। तो पूरा कार्यक्रम भी ख़त्म हो चुका है और अभी सभी लोग भी जा चुके हैं घर की तरफ और कुछ ही लोग बचे हुए हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं अब सीधा घर के लिए यहाँ से। तो अभी यार उतर चुके हैं गाड़ी से और अभी चलते हैं घर के लिए। और आप लोगों ने आज देख लिया किस प्रकार से जो रामलीला का भजन हुआ, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। तो तब तक के लिए